नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट रोहित सरदाना। रोहित सरदाना एक वरिष्ठ पत्रकार थे। मैंने उनके साथ कोई भी डिबेट में इंटरेक्शन नहीं किया, वो आज तक से थे, मगर उनकी डेथ से मैं काफी हिली हुई हूं। जी हां, मुझे एक दिन लगा एक्चुअली टू एड्रेस हिज डेथ। आई हैव बीन रीडिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है उनके डेथ के ऊपर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज पोर्टल्स। पहले तो उनकी डेथ के ऊपर कोई कवरेज नहीं था, फिर कवरेज शुरू हुआ। कवरेज के अंदर उनके को एंकर्स रो रहे थे। एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आप समझ नहीं रहे हैं कि यहां पर जब एक पत्रकार भी इमेजेस शेयर कर रहे होते हैं अबाउट कोविड पेशेंट्स डाइंग, अबाउट फ्यूनरल्स, जब वो उनके साथ होता है इन देयर विसिनिटी, द रियलाइजेशन इज मच मोर। अब रोहित सरदाना ने एक हफ्ते पहले खुद ट्वीट किया था कि उनको बुखार जैसा सिम्टम्स था, उनका RRPCR टेस्ट करवाया गया, कोविड सिम्टम्स वर नेगेटिव, मगर किसी ने उन्हें बोला कि सीटी स्कैन कराओ। आई डोंट नो क्यों उन्हें सीटी स्कैन कराने के लिए बोला गया जब उनका RRPCR टेस्ट नेगेटिव था। अब सीटी स्कैन जो उन्होंने किया उसमें माइल्ड सिम्टम्स थे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। उसके बाद उनकी क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी, क्या वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे थे, क्या वो एडमिट हुए थे, आई थिंक दैट हिज फैमिली विल बी एबल टू शेयर विद अस। मगर यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, आफ्टर आई हैव रियलाइज्ड हाउ डॉक्टर्स आर रिलेटिंग टू कोविड एंड कोविड पेशेंट्स, मुझे लगता है कि कोविड इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन टू अर्न मनी बाय लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली द डॉक्टर्स। जी हां, बहुत सारे डॉक्टर्स सिर्फ अपने प्रोफेशन को पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। यहां पर एक्चुअली मैं राविश कुमार के एक पोस्ट को एड्रेस करने वाली हूं। जी हाँ, राविश कुमार, जिसकी सोच से मैं बहुत बार सहमति नहीं रखती हूं, ही इज अ लेफ्टिस्ट गैंग पत्रकार, मगर राविश कुमार की सोच से मैं आज सहमति रखने का प्रयास करूंगी क्योंकि आई एम फीलिंग दैट वे। उन्होंने बोला है कि डॉक्टर्स ने किस स्तर पर क्या दवा दी, उनके बुखार या अन्य लक्षणों पर किस तरह से मॉनिटरिंग किया गया, कौन सा हॉस्पिटल था, हु वाज हिज अटेंडिंग डॉक्टर। ये सब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने देखा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट आर हैपनिंग इन माय पर्सनल लाइफ वेयर आई एम रिलेटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद लॉट ऑफ डॉक्टर्स, एंड आई फील डॉक्टर्स थिंक दैट दे आर नॉट आंसरेबल टू देयर पेशेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट्स आर स्केयर्ड टू आस्क डॉक्टर्स लॉट ऑफ क्वेश्चन, विच आई एम नॉट। चाहे मैं एक सेलिब्रिटी हूं या नहीं हूं, आई रियली डोंट गेट इन टू दैट जोन, बट वेन आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन टू द डॉक्टर्स रिलेटिंग देयर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, रिलेटिंग टू देयर मोड ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटिंग अ फैमिली मेंबर, दे हैव टू आंसर मी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हूं, मगर मुझे प्रश्न पूछने का हक है एंड डॉक्टर का फर्ज है कि मुझे सही जवाब दे विद अ फैक्ट लाइन, विद अ प्लान ऑफ एक्शन। आपकी तरफ से अगर नेग्लिजेंस होता है देन दैट डॉक्टर इज अकाउंटेबल। मैंने आपको साथ पहले भी ये थॉट प्रोसेस शेयर करी थी क्योंकि यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, वेदर आप सरकारी नौकरी में हो, वेदर आप ऑफिस के अंदर काम करते हो या आप एक सोसाइटी के ऑफिस बेयरर हो। एवरीबडी व्हेन दे टेक अप अ पोस्ट, टेक अप अ प्रोफेशन, दे नीड टू बी अकाउंटेबल। मैं एज अ भारतीय नागरिक आई एम अकाउंटेबल इफ मैं जानबूझ के फेक न्यूज पब्लिश करूं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हां, गलती से अगर मेरे से कोई फेक न्यूज पब्लिश हो जाती है या उसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूं, देन आई हैव टू अपोलोजाइज एंड रिट्रैक्ट इट वंस आई कम टू नो दैट आई हैव यू नो सोल्ड अ फेक स्टोरी बोर्ड। जैसे मुझे लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन में देर वॉज नो शारीरिक खून बट मानसिक खून था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको एंटी डिप्रेसेंट्स दिए, किस आधार पर दिए, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना बहुत ज्यादा था एंड पीपल वर वेरी स्केयर्ड, तो व्हाट्सएप के आधार पर आपने एंटी डिप्रेसेंट्स दिए, वो डॉक्टर्स को कटघरे में खड़ा रखना पड़ेगा बाय CBI। इंक्वायरी हैज टू बी डन, डॉक्टर्स कैन नॉट जस्ट गेट अवे बिकॉज दे आर डॉक्टर्स, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। डॉक्टर्स हैव टू बी आंसरेबल अंडर इंडियन लॉ, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। अब वही थॉट प्रोसेस को एड्रेस करते हुए रोहित सरदाना कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हुए, हु वाज हिज ट्रीटिंग डॉक्टर, व्हाट वर द मेडिकेशंस गिवन टू हिम, एवरीथिंग हैज टू बी मेड पब्लिक बिकॉज यहां पर रोहित सरदाना जो इस कोविड डायग्नोसिस के पहले एकदम फिट थे, अपेरेंटली आई हैव हर्ड ही हैड नो हार्ट हिस्ट्री, वो कैसे एक हार्ट अटैक की वजह से मर सकते हैं अगर वो उस समय हॉस्पिटल में भर्ती थे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स दैट हैव हैपेंड विद रोहित सरदाना। यहां पर
कोविड के वैक्सीन के ऊपर भी बहुत पॉलिटिक्स हो रही है. कभी प्रिंट इंडिया कहता है कि वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है फॉर एंटायर इंडियन पॉपुलेशन बिकॉज इंडिया हैज ग्रेट इम्यूनिटी. दूसरी तरफ ऑब्वियसली कोविड का सेकेंड वेव आ जाता है तो इस वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं. ये कहा जाता है बाय सर्टन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स. क्या नाम है इसका? इसका नाम है कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक साहब. ये कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डिलीवर द वैक्सीन टू द स्टेट्स. द स्टेट्स आर सपोज टू प्रोक्योर द वैक्सीन डायरेक्टली फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक. ये क्लियर है. आधार पूनावाला ने बोला है भैया स्टेट को इतना प्राइस में मैं बेचूंगा, सेंटर को मैं इतने प्राइस में मैं बेचूंगा. अब अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर कोविड वैक्सीन लेगी नहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, या कोई डील नहीं क्रैक करेगी विद भारत बायोटेक और पॉलिटिक्स करती रहेगी, देन दैट इज अरविंद केजरीवाल सरकार's मिस्टेक. सिमिलरली इट गोज विद महाराष्ट्र सरकार, सिमिलरली इट गोज विद ऑल द अदर सरकार्स व्हिच आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सेकंड वेव ऑफ कोविड वैक्सीन. तो वैक्सीनेशन के ऊपर भी डर पैदा किया गया. पीपल को बोला गया कि भैया वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, भारत के अंदर लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है. अगर लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है तो कोविड का सेकंड वेव कैसे चालू हो गया? मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं कि किस प्रकार से मीडिया ऑल्सो रोल प्लेस इन स्प्रेडिंग सो मच ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. साथ साथ में रोहित सरदाना के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को पब्लिक किया जाए, इंक्वायरी की जाए दैट व्हाट वर द ड्रग्स दैट वर गिवन टू हिम इफ ही वाज ट्रीटेड एट होम, इफ ही वाज एडमिटेड हु वाज द ट्रीटिंग डॉक्टर. क्योंकि एक फिट पर्सन ऐसे कैसे विद माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड हार्ट अटैक से गुजर सकता है? दिस नीड्स टू बी आंसर्ड. डॉक्टर्स आर अकाउंटेबल. प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्लियरली. एंड विद रोहित सरदाना'स डेथ आई फील दैट दिस this thing has to be addressed. We have to address the fact that doctors are answerable. Doctors cannot just get away with the saying ki bhaiya hum doctor hain, humko jo theek laga humne sab best kiya. Nahi, aapko best laga aap explain karo wo treatment ke pros and cons. Aap aise hi nahi bol do that this is the best. Aap har treatment ke pros and cons apne mareez ko explain karo. Be open to answering all questions. If you are busy, keep an assistant who answers all the questions of the patients before the patients decide if they want to go ahead with this line of treatment or not. So again, coming back to the storyboard of Rohit Sardana and justice for him, I think the doctors need to be put accountable. Negligence cannot be accepted from the hospital or from the doctor, whether it is Rohit Sardana's case or Sushant Singh Rajput's case. और दूसरी तरफ जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो सफूरा जगर जैसे लोग जो ऑब्वियसली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, एंड कोई दूसरा क्या नाम है शर्जिल उस्मानी जो एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहा है रोहित सरदाना की डेथ, आई थिंक यू गाइज आर पैथेटिक. यू गाइज आर रियली सो डाउन मार्केट एंड सो डाउन ट्रोडन कि आपके ऊपर बात करके मुझे आई थिंक घिन महसूस होती है. भगवान आपको सजा देगा, चाहे मेरा भगवान हो या आपका अल्लाह हो. इफ यू मेक फन ऑफ समबडी इन his death, you don't give him the dignity of keeping quiet and respecting the fact that he is no more with you, then I think aap mein aur wo Mughal rulers mein koi farak nahi tha jo apni talwar ki dhar se hinduon ka janeyu kaatte the aur unka dharm parivartan karte the. Shame on all of you and shame on Twitter India if you keep valid such accounts on your platform. मेरा अकाउंट उड़ा दिया जब मैंने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की बात करी, मगर इन नालायकों का अकाउंट अभी तक वैलिड है. एंड ये नालायक नफरत नहीं, ये लोग तो प्यार बरसा रहे हैं बाई टॉकिंग सो बैड अबाउट समबडी हु इज नॉट विद अस. सो प्लीज इंक्वायरी इन रोहित सरदाना'स डेथ. Doctors need to be held accountable. Hospitals need to be held accountable. Negligence cannot be accepted. Everybody is accountable because everybody is being paid for their services. नमस्ते, जय हिंद.